नमस्कार सभी को। आज हम हैं गुमसर डाइनिंग के बाहर और आप लोगों को इस सुंदर सा रेस्टोरेंट का हम इनसाइड स्टोरी बताएगा, तो चलिए मेरे साथ अंदर। कम ऑन। तो अंदर एंटर करते ही आपको बार पॉइंट मिल जाएगा और सबसे पहले मिलेगा ये सिटिंग जो है दोस्तों के लिए, और आप यहाँ पे स्मोक भी कर सकते हैं। यहाँ पे तीन टाइप ऑफ सिटिंग्स है। तो उसके बाद दूसरा जो है, अब अंदर आने से आपको फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करने के लिए जगह मिल जाएगा, एंड ऑल्सो साइड में जो है वहाँ कोरियन सिटिंग का आपको फैसिलिटी मिल जाएगा। कोरियन सिटिंग के बगल में ही आपको कैरोके रूम मिल जाएगा, जहाँ पे आप आके म्यूज़िक इंजॉय कर सकता है। तो लेट्स एंटर, आपको जगह दिखाते हैं। ये है हमारा कैरोके रूम और हमारा ओनर दीदी भी यहाँ पे है, आपको हम अभी उनसे ही इंटरेक्शन करवाएगा। चलिए तो गाइस, अभी हम हमारा आपी दीदी के पास पहुंच गया। तो आपी दीदी से हेलो प्लीज हमारा ऑडियंस के लिए। हाय। तो ये है यहाँ का ओनर। तो चलिए हम लोग इनसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेगा ये रेस्टोरेंट के बारे में, ठीक है? तो आपी दीदी सबसे पहले ये बताओ कि आपका जो ये आइडिया कहाँ से आया अचानक से आप ये खोलने का रेस्टोरेंट? ना हम बोलते, सबसे पहले आपको थैंक यू बोलेगा मिस नोवन, मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट में आने के लिए और मेरा स्टोरी कैप्चर करने के लिए। तो उसके लिए सबसे धन्यवाद, थैंक्स। मेरा फेवरेट है आप, वैसे भी छोटा से आप तो मेरा खुद का छोटा सा बहन है, मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट है। हाँ, वही ऊपर से अभी तो इतना फेमस है आप, तो क्या बोलेगा भी हर कोई हमको मिस नोवन के साथ। अब घूम रहे क्या सला, अचानक से सोच रहा हो? तो ऐसे है, फिलहाल मेरा वो ये रेस्टोरेंट का आइडिया तो हम पहले से इंटरेस्टेड था रेस्टोरेंट खोलने का। 2016-17 से हम प्लानिंग किया हुआ था रेस्टोरेंट एक खोलेगा बोलकर। तो ऐसे करके बहुत स्ट्रगल किया है ये रेस्टोरेंट बनने में। तो बनाते ही बहुत तकलीफ भी बहुत फेस किए, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं, अकेला ही बस किया है। अनमैरिड भी है ना, कोई लाइफ पार्टनर भी नहीं है जो सपोर्ट करे, कोई सपोर्ट नहीं है। तो कहीं फैमिली फ्रेंड्स से सपोर्ट नहीं मिला आपको? फिजिकल इमोशनल कोई नहीं है, बस अपना ही किया है जो भी कुछ ना किया है। उसके बाद मेरा एक्चुअली हम इंटीरियर डिजाइनर एक वो हायर किया था, और तो उसी को ही हम मेरा वो रेस्टोरेंट का कंसेप्ट को हम वो कर दिया, सौंप दिया, वो उसी ने ही बनाकर अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर लगा बनाने में, बनाते हुए। तो अभी उस दिन रिसेंटली 2019 में ही कम्प्लीट हो गया, तो उसी में ही मेरा ग्रैंड ओपनिंग हो गया। तो वही है मेरा कहानी। और आपका इंटीरियर का नाम भी आप बता दीजिए, ताकि लोग अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे उनको तो फ्यूचर में कर सकने के लिए ना। वही वही मेरा इंटीरियर डिजाइनर का नेम है मिस रोमी ठेली, टिक्की ठेली का बेटी है। बहुत अच्छा वो आर्किटेक्चर भी है और इंटीरियर भी है, और बहुत उसका अपना खुद एक थीम है उसका ना, अपना आर्किटेक्चर इंटीरियर का एक ग्रुप है। तो उसे उसका ही टीम ने पूरा एग्जीक्यूट कर मेरा उसको बनाया है। तो ऑलमोस्ट तो 9 months तो लग गया पूरा ना। तो आपका ये रेस्टोरेंट है ना, कौन सा थीम पे मतलब बेस्ड करके बनाया आप? मोस्टली देखो हम लोग अरुणाचल में ऐसे है कि मतलब रेस्टोरेंट होने से मतलब हम बहुत सारा जगह जगह हम जाकर देखा है ना, क्योंकि हम पहले से इंटरेस्ट ही था रेस्टोरेंट कॉलेगाल का। तो इसलिए हम जो मतलब हर किसी का रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ट्रायल भी करता था, बहुत गेजू काम किया हम हर जगह जाके आइडियाज लिए ना, खुद ट्रायल भी किया है और कुछ कुछ चीज को भी टेस्ट किया ना, उसका प्राइस को भी देखा है, उसका कंसेप्ट को भी देखा है। तो हमको लगा किसी किसी का कोई कोई जैसे कि रेस्टोरेंट होने से पूरा खोला होता है ना डाइनिंग टाइप का, तो हम इसलिए मेरे इंटीरियर को बोला है कि मेरे इंटीरियर मैडम को बोला है कि नहीं हमको इस टाइप का चाहिए कि कोई कस्टमर बाहर से आएगा, मतलब कैफे भी होने हैं मेरे इसमें ना, डाइनिंग होना है, कोरियन सेटिंग होना है, और इसके बाद एक प्राइवेसी टाइप का एक कैरोके रूम हमको चाहिए। वो हम मेरा इंटीरियर मैडम को हम कंसेप्ट दे दिया था। तो वो बोले कि तकलीफ होगा मैडम, क्योंकि मेरा ये जगह थोड़ा कमती छोटा था ना, उसका हिसाब में मेरा आइडिया के हिसाब से। तो वो लोग फिर बोले कि होगा ठीक है, बोलकर वो लोग ही एग्जीक्यूट करके बना दिए। तो ऐसे करके हमको तो पहले से मतलब कैफे भी मतलब पसंद था और डाइनिंग ना,
और कोरियन सेटिंग, क्योंकि हमको ऐसे पब्लिक फील होना है कि बाहर से आकर मतलब कैफे में बैठने मन होने से कैफे में बैठेगा ना, तो वहाँ में स्मोकिंग जोन बनाया है हम जो, फिर डाइनिंग में फैमिली लोग बैठ कर खाना वाना खाने मन होने से वहाँ में बैठेगा, ये तो फिर कोरियन सेटिंग में कोई जाएगा बोलने से उसी में, तो बाहर से कोई आकर ऐसे नहीं लगना है कि एक रेस्टोरेंट में हम आए ऐसा लग फील नहीं होने, अंदर में अलग अलग वाइब मिल जाएगा ना, बाहर से चाहे एक ही रेस्टोरेंट दिखाओ वही वही ऐसे टाइप का हम ऐसे कंसेप्ट में हम पहले से आइडिया था, मतलब मैं उसको बोला है मेरे इंटीरियर को हमको कर दीजिए ऐसे। तो खाने में मतलब सबसे मेन तो खाना ही होता है ना यहाँ का, तो खाने में स्पेशल क्या मिलेगा यहाँ पे? नहीं खाने में तो स्पेशल यहाँ में मेरा इसमें तो वो है, वैसे तो यहाँ में कोरियन क्या मतलब इंडियन चाइनीज क्या बोलते हैं पेनेजन है ना, पेनेजन इसलिए पूरा कॉमन से पेनेजन रखा है मेरा अपना, तो आकर ट्राई कर कीजिए तो पेनेजन में क्या क्या मिलता है ना वो डिश आप लोग आकर ट्राई कीजिए कस्टमर लोग। और वैसे आप लोगों को बता देगा यहाँ का जो कोरियन वो है फूड है वो ऑलरेडी बहुत मतलब हाइप तब होके बैठा है, सब बहुत पसंद कर रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा रिव्यूज आ रहे हैं कि अभी तक का कैपिटल में जितना भी खाया है तो बेस्ट है। मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू भी है क्योंकि हम भी ट्राई कर चुका है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सबसे टेस्टीएस्ट कोरियन फूड जो यहाँ मिलता है, तो आप लोग भी आके ट्राई कर सकते हैं। okay, तो आप लास्ट क्या बोलना चाहेगा पब्लिक को? नहीं पब्लिक को हम यही बोलना चाहूंगे कि हम बहुत कष्टों का तकलीफ होकर हम बने हैं ना, तो आप लोग भी प्लीज कोऑपरेट कीजिए और मेरा ये गुमसार डाइनिंग में विजिट करके देखिए ना, और हम जितना सकेगा तो अपना बेस्ट हम ट्राई करके देखेगा, कस्टमर को मतलब दुखी होकर हम जाने नहीं देगा, अपना जैसे कि लाइक अच्छा अपना बेस्ट ये क्या बोलते हैं कस्टमर वो क्या बोलते हैं प्रोवाइड बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं कस्टमर सर्विस तो ऐसे कस्टमर सर्विस हम अपना तरफ से बेस्ट देने कोशिश करेगा, और इसलिए हम फीडबैक भी हम लेने देते हैं अपने एक कस्टमर को, फीडबैक भी आप लोग भी जो जो आया है ऐसा नहीं है कि कहा के चला जाए, थोड़ा सा फीडबैक आप लोग दे दीजिए ताकि मेरा सेफ को हम बोल सके कि मेरे किचन टीम को आप लोग ये चीज में चेंजेस लाना है ऐसे बोलकर। अच्छा अच्छा रिव्यू आने से वो लोग को और मोटिवेशन मिलेगा, और अगर खराब रिव्यू आया उनसे वो लोग और उस पे बेटर काम कर सकते हैं ना, वही वही हम अपना तरफ से हम कोशिश तो कर रहे हैं, तो वही है आप लोग आइए और गुमसार डाइनिंग का डिश को इंजॉय कीजिए। वही आप लोग ये आयरन लेडी को जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अभी के समय में बीइंग अ सिंगल वुमन ना खुद को एस्टेब्लिश करना बहुत तकलीफ होता है, और दीदी जो है बहुत स्ट्रगल करके आया है, हम खुद जानता है ना पर्सनली, तो इसीलिए हम अच्छे से पता है कितना स्ट्रगल किया, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद में ना एक इमोशनल सपोर्ट जो जरूरी होता है इंसान को, इमोशनल और फिजिकल, स्पेशली जब ऐसे बड़ा काम चल रहा होगा प्रोजेक्ट, तब स्टिल वो अकेला स्टैंड करके ना जो वुमन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल होता है, तो दीदी लोग जैसा इंसान लोग ही होता है जो रियल में वुमन एम्पावरमेंट को का डेफिनेशन जो है उसको फुलफिल करता है, तो आप लोग भी जरूर जरूर सपोर्ट कीजिए आके, तो प्लीज आप लोग आइए ना दीदी। हाँ आइए आप लोग, मेरे इसमें हम कोशिश तो करेगा कस्टमर सर्विस के लिए, और एक्चुअली मेरा इसमें ऐसे है कि हम बेबी सेटर भी थोड़ा हिसाब करना था ना आपके साथ, पिलो बना रहे तो हम बुद्धू से ओकरा हैसला उसको वापस बोल ले जाएगा अभी के लिए अभी अब उसको यूट्यूब पे जा रहे थे खराब सीरियस में सब आगे चाहते ना अंदर अरे आप पी पी के बोला उसको ये लगो हम कट के डाल देगा चलो। एक्चुअली वो है मेरा इसमें गुमसार डाइनिंग रेस्टोरेंट में एक फैसिलिटी हम रखा है कि बच्चा का बेबी सेटर भी हम एक प्रोवाइड किया है, ताकि माँ पिताजी आएगा बच्चा बैठने के लिए तकलीफ खाने पीने के लिए ना, तो उसी में आराम रहने के लिए हम बेबी सेटर भी हम प्रोवाइड किया है, और उसके बाद मेरे इसमें खाने होने के लिए तो खाने पीने के लिए हम वो किया है वो लोग को क्या बोलते हैं सेफ लोगों तो हम जितना सके
अच्छा से बनाने के लिए कोशिश ऊपर है, अच्छा से बनाने के लिए जितना सकेगा बेस्ट देने का ट्राई करेगा। एक्चुअली मेरा सेफ लोगों भी हम बोला है कस्टमर को जितना सकेगा तो बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए वो मतलब करने के लिए भी हम बोला है। और उसके बाद मेरा प्राइस भी बहुत रिजनेबल हम रखा है यहाँ पे। और खाने होने के लिए भी जहाँ तक देखे अभी तक तो सबका फीडबैक तो अच्छा ही बोल रहा है। तो आप लोग प्लीज आइए मेरा गुमसा डाइनिंग में एक बार, मतलब फूड को एंजॉय कीजिए मेरा ये गुमसा डाइनिंग का। और ये मेरा लोकेशन इजी है मेरा गुमसा डाइनिंग का, जीरोफिन ईटानगर में है। और उसके बाद बस जस्ट नियर बाय हिमा हॉस्पिटल का बगल में ही है। और ममोमिया और बिकनियर मेरा जस्ट नीचे में है, उसका फर्स्ट फ्लोर में है। और उसके बाद ऑपोजिट साइड बाय केएफसी, इतना ही है डिटेल्स में एड्रेस बता दिया। ठीक है आप दीदी, थैंक यू सो मच आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। और होप करते हैं कि मेरा जो ऑडियंस है देख रहे हैं वो जरूर आके आपको सपोर्ट करेगा अच्छा काम के लिए ना। ओके थैंक यू मिस नोवल, आपको भी। चलो हम अभी अपने आसिंग सो गाइज मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसके हिसाब। सो गाइज मेरा जो पर्सनल रिव्यू है वो ये है कि आपको जो है कैपिटल में जितना भी फैंसी रेस्टोरेंट्स वगैरह होता है उन लोगों से आपको थोड़ा सा तो गाइज मेरा जो पर्सनल रिव्यू है वो सबसे पहले होगा प्राइस को लेके, क्योंकि जितना भी कैपिटल में फैंसी रेस्टोरेंट्स होता है उनमें प्राइसेस ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रीजनेबल मिल जाएगा, बहुत ज्यादा कम नहीं बट थोड़ा सा कम मिल जाएगा। क्योंकि वैसे तो आप लोग अगर हमको ऑफन फॉलो करता है तो आपको पता होगा कि हम इतना रेस्टोरेंट्स वगैरह जाता भी नहीं है। तो यहाँ तो हम ऑफन विजिट करते हैं क्योंकि दीदी का भी है, तो वो सब हम थोड़ा सा नोटिस कर लेता है। क्योंकि मेरा ऑडियंस, हम नहीं चाहते कि मेरा ऑडियंस को हम कुछ गलत वाला सजेस्ट कर दो। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे आके गुड फूड गुड म्यूजिक एंड ऑल्सो अच्छा अच्छा फोटो वीडियोज भी खींच सकते हैं क्योंकि यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो द स्टाफ्स आर वेरी पोलाइट, तो आप जब भी आएगा आपको एक अच्छा सा एक जेस्चर मिलेगा, तो होपफुली आप इंजॉय करेगा। एंड खाना का तो मे बी टेस्ट सबका अलग अलग हो सकता है, जो चीज़ हमको पसंद आता है आपको नहीं भी आ सकता है, बट ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। और आज तक का सबसे टेस्टीएस्ट चाउमीन भी हम यहीं पे खाए। तो हम ये सब, हम बहुत होमली वाला, हम सिर्फ बॉयल फूड ये सब वाला, बॉयल फूड चटनी जाल साल ये सब वाला इंसान है। बट यहाँ आके थोड़ा सा हम भी थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज सपोर्ट माय एल्डर सिस्टर, क्योंकि बहुत मेहनत किया है और आप लोगों को बताया एक अकेला इंसान जो खुद को स्क्रैच से लेके बिल्डअप करना, तो ऐसा इंसान को सपोर्ट करना चाहिए हम लोग, है कि नहीं, जो खाल कुछ भी नहीं होके डायरेक्ट बन के आया है। तो प्लीज आप लोग आए और इंजॉय करें गुमसार डाइनिंग। फिर से हम एड्रेस बता देगा, एड्रेस है नियर हिमा हॉस्पिटल ईटानगर 0 पॉइंट। और ये एवरीडे खुलता है, सुबह के 9 बजे से आपको रात के 11 बजे तक मिल जाएगा, तो आप कभी भी विजिट कर सकते हो। एंड अपना रिव्यू भी प्लीज जरूर छोड़िएगा आप जाने से पहले। तो प्लीज आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।